हेलो गाइस, दिस इज़ नवनीत महन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है और एजुकेशन क्या होते हैं, इसका वैल्यू क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप्स और उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन हम जितना जानते हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता है, एजुकेशन की कई प्रकार होते हैं, कई टाइप के एजुकेशन होते हैं। गाइस, व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन होता क्या चीज़ है। द वर्ड एजुकेट कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एजुकेयर, मीनिंग टू लीड आउट, टू ब्रिंग आउट। दैट मीन्स एजुकेट जो वर्ड है वो एजुकेयर, लेटिन वर्ड एजुकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट। दैट मीन्स किसी की डेवलपमेंट करना, टू ब्रिंग आउट। टू एजुकेट मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ चाइल्ड द स्टूडेंट दैट स्पिरिट ऑफ लर्निंग। ध्यान देंगे, द एजुकेट मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ द चाइल्ड या स्टूडेंट दैट स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड वंडर, द डिजायर टू नो, दैट थर्स्ट फॉर नॉलेज। एजुकेट जो है, एजुकेट जो वर्ड है इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी बच्चे का या किसी स्टूडेंट के जानने की जो इच्छा होती है उसको पूरा करना, एजुकेट करना कहलाता है। दैट मीन्स उसकी जो जानने की जो इच्छा है वो जानने की इच्छा की पूर्ति जो है, उसकी जो इच्छा की पूर्ति, किस चीज़ को जानने की, किस चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा है उसकी पूर्ति ही एजुकेशन कहलाती है। ट्रू एजुकेशन इज़ द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल। किसी भी चाइल्ड का फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट ही ट्रू एजुकेशन है। दैट मीन्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्लासरूम की पढ़ाई से नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है कि उसकी शारीरिक, मानसिक, सैद्धांतिक हर प्रकार की उसमें डेवलपमेंट हो। द फोर डायमेंशन ऑफ लाइफ जो होते हैं, फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल, ये फोर डायमेंशंस होते हैं लाइफ के, चार डायमेंशन होते हैं और यही एजुकेशन का मुख्य आधार होते हैं। अभी वर्तमान में 21st सेंचुरी, द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट द दो दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हम जानते हैं इलिटरेट किसको कहेंगे, जो कि जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, उसको हम इलिटरेट, अनपढ़ कहते हैं। बट 21st सेंचुरी में हम उस व्यक्ति को अनपढ़ नहीं कह सकते जो लिखना पढ़ना नहीं आता जिसको, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान परिवेश में हर किसी को लिखना और पढ़ना आता है। बल्कि हम अभी के समय में उस व्यक्ति को इलिटरेट या अनपढ़ कहेंगे जो कि सीखना नहीं चाहता या जो सीखता नहीं है, किस चीज़ को सीखता नहीं है। दैट मीन्स अगर हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, हमको फार्म में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना जरूरी है। अगर हमको ये प्रैक्टिकल नॉलेज ना आए, हम ना सीख पाएँ, तो हम एक तरह से अनपढ़ ही हैं मान के चल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, वेबस्टर डिफाइंस एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू द डेवलपमेंट सॉरी टू डेवलप द नॉलेज, स्किल और कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट। एजुकेशन जो होता है ये टीचिंग का प्रोसेस है जो कि किसी स्टूडेंट के नॉलेज, स्किल्स और उसके कैरेक्टर्स में, उसके गुणों में वृद्धि लाता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यक्ति में वांछनीय वांछनीय परिवर्तन लाता है। दैट मीन्स ऐसे परिवर्तन जो कि समाज में आगे बढ़ने के लिए उसे चाहिए,
किसी व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है वो चीज़ को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसी को एजुकेशन कहा जाता है। समाज में आगे बढ़ने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उन गुणों को प्राप्त करने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, उसको ही हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन के माध्यम से ही हम समाज में जीने लायक, समाज में आगे बढ़ने लायक बनते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड हैबिट्स थ्रू इंस्ट्रक्शन और स्टडी। हम इसको स्टडी के इंस्ट्रक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। एजुकेशन जो होता है मेनली तीन टाइप के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ये जैसे कि नाम से पता चलता है फॉर्मल, ये प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक होती है, क्योंकि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये किसी इंस्टीट्यूशन के या किसी सिस्टम के किसी इंस्टीट्यूशन के सिस्टम से बाध्य नहीं होता या किसी सिस्टम के अंदर नहीं होता। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम हर जगह से कहीं से भी हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो हम जीवन में, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। तो इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है ये उसी प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलते रहती है। क्योंकि हम जिस प्रकार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ती जाती है, हमारे समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे सोच बदल जाते हैं। तो इस तरह से जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम अलग अलग जगह पे, क्योंकि हम जिस प्रकार से हम जीवन में हर जगह पे कभी न कभी नए लोगों से मिलते हैं, हर जगह नए प्रकार से बिहेव करते हैं और हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, जो इस प्रकार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वही नॉन फॉर्मल एजुके सॉरी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। जैसे कि मैंने पहले बताया फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम कॉलेज स्कूल जाते हैं, स्कूल में प्रॉपर टाइमिंग में प्रॉपर सब्जेक्ट्स हम सिलेबस निकाल के हम प्रॉपर पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होता है। ये है फॉर्मल एजुकेशन। हम स्कूल में जाके पढ़ाई किए, कॉलेज में जाके पढ़ाई किए, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई किए या किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई किए, वो होता है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में हमको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। इसमें यूनिफॉर्म एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ये यूनिफॉर्म और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जिस प्रकार से यूनिफॉर्म और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे कि आप जो कॉलेज में आते हैं तो आप लोगों के लिए कॉलेज में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, आप लोगों के कॉलेज में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं और सिलेबस भी आप लोगों को मिलता है, तो ये एक तरह से फॉर्मल एजुकेशन है। साथ में ये फुल टाइम दैट मीन्स इसका भी टाइम डेफिनेट होता है। हम हमारे जैसे कॉलेज का समय होता है सुबह 10 से 5 बजे तक, तो हम 10 से 5 बजे तक कंटिन्यू हमको
एजुकेशन प्राप्त करना ही है, ये एक डिसिप्लिन हो जाता है और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल दैट मीन्स हम जैसे कि फर्स्ट ईयर में पहले पढ़े, उसके बाद में सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर जाएंगे, फिर फाइनल ईयर जाएंगे, ये कंप्लीट होने के बाद हम एमएससी में जाएंगे, तो इस सीक्वेंस में चलता है। जबकि इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के केस में ऐसा नहीं होता, आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले भी सीख सकते हैं, बाद में भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज हायरसली स्ट्रक्चर्ड, ये एक हायरसली स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसी स्ट्रक्चर में ही हमको एजुकेशन मिलती है। लीडिंग टू सर्टिफिकेट्स, डिग्री एंड डिप्लोमास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें सर्टिफिकेट्स, डिग्री या डिप्लोमा मिलते हैं, इसी से हमको एजुकेट या नॉन एजुकेट के रूप में जाना जाता है। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फुल टाइम एजुकेशन मिलता है, इसमें टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, इसमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। जस्ट लाइक फॉर्मल एजुकेशन में एक एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि बहुत सारे एजुकेशन के बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, पॉलिटेक्निक है, एमबीबीएस है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी, ये सारे के सारे सभी चीज़ों पे एजुकेशन मिलते हैं, बट इनमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है। जस्ट लाइक हमारा जो कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की ही पढ़ाई की जाएगी, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई की जाती है। तो ये बहुत सारे वैरायटी तो होते हैं, बट ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होता है जिसमें हर इंस्टीट्यूशन में एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पे ही उनका पढ़ाई किया जाता है, रनिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल थ्रू द यूनिवर्सिटीज़, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटीज़ तक इसकी पढ़ाई होती है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर्मल एजुकेशन, एनी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन एक्टिविटी। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, ये किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन का एक्टिविटी नहीं होता, यहाँ पे मैंने यहाँ मिस्टेक हुआ है। ये किसी प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन की एक्टिविटी नहीं होती, ये आउटसाइड द एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल सिस्टम वेदर ऑपरेशन सेपरेटली। यहाँ पे नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है, ये किसी प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से अलग हटके होता है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एजुकेशन सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सम ब्रॉडर एक्टिविटी दैट इज इंटेंटेड टू सर्व आइडेंटिफाइबल लर्निंग क्लाइंट्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं, इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये हम समय और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम कभी भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि हमको जब आवश्यकता हुई हम उसको सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम आज सीखें, कल सीखें या परसों सीखें। जस्ट लाइक आपको कार चलानी आती है, हो सकता है आपको कार चलानी आती है बट आपको बाइक चलानी नहीं आती, ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि पहले आपको अगर कार सीखना है तो पहले बाइक सीखना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। जिस प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी, एक फॉर्मल एजुकेशन में आपको अगर एमएससी पढ़ना है तो पहले बीएससी कंप्लीट करना ही होगा, उसके बाद ही आप एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक फॉर्मल एजुकेशन है। बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन जस्ट लाइक आपको कार चलानी सीखनी है, तो कार चलानी सीखने के लिए आपको बाइक चलाना सीखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कार चलाना भी सीख सकते हो, चाहो तो उसके बाद आप बाइक चलाना सीख जाओ। तो इस तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी
होती है। इट इज़ लाइफ इन्वायरमेंट एंड लर्नर ओरिएंटेड। इट इज़ डाइवर्सिफाइड इन कंटेंट एंड मेथड्स। ये डाइवर्सिफाइड होता है कंटेंट्स और मेथड्स में, एक ही चीज़ को, एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीकों से सीख सकते हैं। इट इज़ नॉन ऑथोरिटेरियन। इसमें किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी काम नहीं करती, ये आप पे, लर्नर पे और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सीखने वाले पे और उसके आवश्यकता वर्तमान परिवेश पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करेगा। इट इज़ बिल्ड और लर्नर पार्टिसिपेशन। इट इन्हेंस ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल पोटेंशियल। ये जो है ह्यूमन और इन्वायरमेंटल पोटेंशियल को इन्हेंस करता है, बढ़ावा देता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मैंने कुछ देर पहले जैसे बताया, जो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू, ये जो प्रक्रिया है चलते रहती है। द ट्रूली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर बाय एवरी इंडिविजुअल एक्वायर एटीट्यूड, वैल्यूज, स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस। इसमें जो मनुष्य होते हैं, जो भी सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है, ये हर स्टेज पे, अपने लाइफ के हर स्टेज पे एटीट्यूड, वैल्यूज़ और स्किल्स को डेवलप करते रहता है। जस्ट लाइक जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, आप हमेशा, हमको जीवन में नए नए लोग मिलते हैं। हम अगर किसी से बात करते हैं, किसी के सामने की हम जो अपने तरीके से अगर किसी से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के, जो कोई भी हमारे सामने आए, तो सेम प्रोसेस से, सेम लहजे से, सेम तरीके से बात करें, सेम एटीट्यूड में बात करें। हर पर्सन के साथ में अलग अलग एटीट्यूड से बात करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और किस प्रकार का व्यक्ति हमारे सामने कब आए, इसका कोई पता नहीं होता। इसलिए ये जो बात करने की प्रक्रिया, जो एटीट्यूड है, ये हम हमेशा जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं। वैल्यूज, स्किल्स और अलग अलग जो हमारे स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, इसको हम डेली एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ये इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। एंड द एजुकेटिव इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज इन हिज और हर इन्वायरमेंट फ्रॉम फैमिली एंड नाइबर्स, फ्रॉम वर्क एंड प्ले, फ्रॉम द मार्केट प्लेस, द लाइब्रेरी एंड द मास मीडिया। जैसे कि हम मास मीडिया से सीखते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन के कैरेक्टर्स के बारे में। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द लीस्ट कंट्रोल्ड। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द लीस्ट कंट्रोल दैट वाई दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी एक्सक्लूडेड ऑफ समबॉडीज लाइफ। ये जो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, इस पे किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, हम जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं। यह हम इसीलिए, इनफॉर्मल एजुकेशन का कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। जस्ट लाइक जन्म होने के बाद बच्चा चलना सीखता है, बात करना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे और बहुत सारी चीज़ें सीखते जाता है और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर इसमें कंट्रोल होता तो वहीं के वहीं रुक जाता, वहाँ पे सीखना बंद कर, जस्ट लाइक फॉर्मल एजुकेशन में होता है। इसमें कंट्रोल होता है कि हमारी जो पढ़ाई होती है, ये एक निश्चित सीमा तक होती है, उसके पश्चात तो वहाँ से हमारी पढ़ाई जो है बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसमें किसी प्रकार कोई कंट्रोल नहीं होता, इस कारण जीवन पर्यंत चलते रहता है। इनफॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ एक्सीडेंटल अनक्लियर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में कहीं से भी हमें नॉलेज मिल सकता है, अचानक से हमें कहीं एक्सीडेंटल नॉलेज मिल सकता है, अनक्लियर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है। इनफॉर्मल एजुकेशन रिफर्स इवन टू इमोशंस, फीलिंग्स,
बिलीफ एट्सेट्रा। इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफर पॉसिबली टू फ्रीली एक्ट इन अननोन सिचुएशन। हमको इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से ही अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है वो सिखाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन ही हमको फ्री, मतलब फ्रीली सोचने का, फ्री थिंकिंग के बारे में सिखाता है। हम दैट मीन्स अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन अगर हमारा बंद हो जाए तो हम, हमारी सोच वहीं पे रुक जाएगी, हमारी सोच वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया। इस सेम चीज़ को यहाँ पे एक चार्ट के रूप में बताया गया है। फॉर्मल एजुकेशन मेनली यंग, यूनिवर्सल, कंपलसरी एंड सेलेक्टिव। जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो यंग लोग सीखते हैं, यूनिवर्सल होता है, कंपलसरी होता है और सेलेक्टिव भी होता है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मेनली एडल्ट्स, दोज इंटरेस्टेड, वॉलंट्री एंड ओपन। ध्यान देंगे यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन की नहीं। तो नॉन फॉर्मल जो फॉर्मल एजुकेशन होता है यंग, दैट मीन्स स्कूल हम बच्चे को ही भेज सकते हैं, किसी एडल्ट को हम स्कूल नहीं भेज सकते। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है मेनली यंग लोग से स्टार्ट होता है, यूनिवर्सल होता है, कंपलसरी होता है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जो स्कूल से बाहर का, जस्ट लाइक मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कार चलाना सीखना या बाइक चलाना सीखना, तो ये जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो मेनली एडल्ट लोगों के लिए होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और जो इंटरेस्टेड होते हैं, दोज इंटरेस्टेड एंड वॉलंट्री। टाइम स्केल जो होता है फॉर्मल एजुकेशन का, फुल टाइम और प्राइमरी एक्टिव होता है, एक्टिविटी होता है। दैट मीन्स जो टाइम लिमिट फिक्स होता है उस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन करना आवश्यक होता है, जबकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई टाइम लिमिटेशन, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता। ये सेकेंडरी एक्टिविटी होते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की। एक्सटेंशन एजुकेशन होता क्या चीज़ है? गाइस, एक्सटेंशन जो वर्ड होता है, एजुकेशन के बारे में मैंने बताया, सीखना जो है, सीखने की प्रक्रिया वो एजुकेशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन वर्ड भी लेटिन भाषा की टेंसियो शब्द से लिया गया है। टेंसियो दैट मीन्स स्ट्रेचिंग, दैट मीन्स खिंचाव, तनाव, और एक्स दैट मीन्स बाहर। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब होता है कि जो नॉलेज होता है उसको बाहर, एक संस्था में जो एजुकेशन है उसको संस्था से बाहर उसको फैलाना, उसको खींचना, उसका तनाव करना, उसको बाहर में खींच के ले जाना और बाहर में फैलाना, वही एक्सटेंशन एजुकेशन है। जस्ट लाइक आपने यहाँ पे कॉलेज में एग्रीकल्चर के बारे में जो ही पढ़ाई किया, जो भी सीखा, इस जो भी एजुकेशन प्राप्त किया उसको यहाँ से ले जाके बाहर गांव में या किसानों के बीच में आप जो नॉलेज बांटेंगे वो एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाएगा। एक्स दैट मीन्स होता है बाहर और टेंसियो दैट मीन्स स्ट्रेचिंग। एक्सटेंशन इज दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्ट्रेच्ड आउट। एक्सटेंशन इज दैट टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज स्ट्रेच्ड आउट टू पीपुल इन द रूरल एरियाज। दैट मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो
रूरल एरियाज़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज, दूर हो या पास हो, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को स्ट्रेच करना, वहाँ फैलाना, वो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, उसी को एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिमिट से बाहर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो फॉर्मल एजुकेशन है, वहाँ कॉलेज तक लिमिट है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में, जो कॉलेज में आपने जो कुछ ही पढ़ा, जो कुछ ही एजुकेशन आपने प्राप्त किया, उसको बाहर लेके जाना, आसपास के दूर दराज के कहीं के भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में इस नॉलेज को फैलाना, ये कहलाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन। टू विच द फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन इज यूजुअली कॉन्फाइंड। एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1866 विद अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन विच वॉज टेकन अप बाई कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। एक्सटेंशन जो एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसका ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ 1866 में, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, क्योंकि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर दी जाती है सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से, किसी प्रकार की जो शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, हमारे सामाजिक जीवन में उसकी बहुत अधिक महत्व होता है। परंतु ये जो नॉलेज होता है ये इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए 1866 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंग्लैंड में एक्सटेंशन एजुकेशन का स्टार्ट किया। 1873 इन 1873 द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज यूज्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। 1873 में जो एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म है इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एजुकेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड फॉर चेंजिंग देयर बिहेवियर, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये लोगों के, ग्रामीण जनजीवन के उनके नॉलेज, ज्ञान, स्किल्स और एटीट्यूड पे सुधार लाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च। एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है वो यूजफुल रिसर्च, जस्ट लाइक अगर एग्रीकल्चर में किसी प्रकार कोई रिसर्च करके हम नई वैरायटी का इन्वेंशन करते हैं, अगर एक्सटेंशन एग्रीकल्चर में हम कोई नई वैरायटी का रिसर्च करके साइंटिस्ट ने कुछ नई चीज़ बनाया, तो उसका नॉलेज आम जन तक कैसे पहुंचेगा? वो तो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही है। अगर आम जन तक उसको, आम लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाना है तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक्सटेंशन एजुकेशन की। हम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के थ्रू ही हम जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं, उसको हम आम लोगों तक, रूरल पीपल तक हम पहुंचा सकते हैं, टू ब्रिंग आउट डिजायरेबल चेंजेस इन देयर सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट डिराइव्ड फ्रॉम रिसर्चेस, एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड रिलेवेंट प्रिंसिपल्स ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंसेस सिंथेसाइज्ड विद यूजफुल टेक्नोलॉजी। इन अ बॉडी ऑफ फिलोसॉफी प्रिंसिपल्स कंटेंट्स एंड मेथड्स फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन फॉर एडल्ट एंड यूथ। ये लोगन्स के अनुसार एक्सटेंशन एजुकेशन का डेफिनेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज एन अप्लाइड साइंस कंसिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स
डिराइव फ्रॉम रिसर्चेस एक्यूमुलेटेड फील्ड एक्सपीरियंसेस एंड रिलेवेंट प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम द बिहेवियरल साइंसेस सिंथेसाइज्ड विद यूजफुल टेक्नोलॉजी इन अ बॉडी ऑफ फिलोसफी प्रिंसिपल कंटेंट्स एंड मेथड्स। अब बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो है लोगों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना ताकि वो अपने सामाजिक जीवन में सुधार ला सकें। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, हर प्रकार से अपने जीवन में सुधार ला सके। एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो होता है कि लोगों के, ग्रामीण लोगों के जीवन, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन में सुधार लाने के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करना, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना, उनको सही डायरेक्शन शो करना। टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार लाना, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाना। एक्सटेंशन एजुकेशन इन आवर कंट्री इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन आर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पीपल। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक एम है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो है रूरल ग्रामीण लोगों का संपूर्ण रूप से ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कि पूरी तरह से उनका डेवलपमेंट करना। टू ब्रिंग आउट डिजायरेबल चेंजेस इन द ह्यूमन बिहेवियर विच इंक्लूड्स चेंज इन नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया कि लोगों के उनकी बिहेवियर में, उनके स्किल्स में, उनके नॉलेज में, एटीट्यूड में सुधार लाना, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स है। द डिसेमिनेशन ऑफ यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड सीड फर्टिलाइजर इम्प्लीमेंट्स पेस्टिसाइड्स इम्प्रूव्ड कल्चरल एक्टिविटीज कल्चरल प्रैक्टिसेस डेयरिंग पोल्ट्री न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये डेवलप होते हैं जो कि आम लोगों तक, ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाते। इसको एक्सटेंशन एजुकेशन के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। टू मेक द पीपल अवेयर दैट एग्रीकल्चर इज़ अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। अधिकांश लोगों को यही लगता है कि एग्रीकल्चर जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं है, बट लोगों को ये अवेयर करना कि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, कृषि हमारे जीवन का आधार होता है क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए सबसे पहले खाने की आवश्यकता पड़ती है। हमें किसी प्रकार से जो अदर चीज़ें हैं, जस्ट लाइक हमें इंजीनियरिंग के लिए, हमें बिल्डिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। हम पहले आदि मानव जो थे वो भी बिना बिल्डिंग के कंदरे गुफाओं में रहा करते थे। जानवर भी बाहर घूमते हैं, अपना घर नहीं बनाते, बिल्डिंग नहीं बनाते, वो कपड़े नहीं पहनते, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भोजन। तो मनुष्य, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जो मुख्य आवश्यकता है वो है भोजन। तो हमें जिंदा रहने के लिए, हमें अपने जीवन की जीने के लिए जो मुख्य आवश्यकता है वो है भोजन, जिसकी पूर्ति हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से ही कर सकते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर को नॉन प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ना मानते हुए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन मानकर इसको करना चाहिए। टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर रूरल पीपल सो दैट दे कैन शो देयर टैलेंट लीडरशिप एंड एफिशिएंसी।
जो ग्रामीण लोग होते हैं उनमें उनके लिए इस प्रकार के इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि वो अपना टैलेंट, लीडरशिप और एफिशिएंसी को शो कर सकें। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑफ द फार्मर प्रॉब्लम, क्योंकि किसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनके लिए प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन निकालना, ये एक एक्सटेंशन वर्कर का काम होता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप गूगल क्लासरूम में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।